हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फूडानिया। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ BTM लेआउट में सिमीज किचन पे उनका लंच टाइम कवर करने के लिए। सिमीज किचन से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार मैं उनका किचन रिव्यू करूँ। तो जब मैंने फोटोज़ देखे और मैंने स्केल देखा तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि यार मुझे ऐसी किचन कवर करनी चाहिए। प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतने रीजनेबल प्राइजेस में बैंगलोर में इतना अच्छा स्वाद अगर मिलता है तो क्या ही बुराई है कवर करने में। स्वाद मैंने अभी किया नहीं है, क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। पीछे आप मेरे देख सकते हैं सिमीज किचन है, तो आइए एक एक करके अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद उसका होगा टेस्टिंग। तो दोस्तों ये रहा वो सिमीज किचन, लोकेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहचान है कि ये वाली जो बिल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल बैक साइड में है। बाहर आपको मिलते हैं चाट पकौड़े, थोड़ा मेन रोड है तो आपको संभाल के जाना पड़ेगा। जूस, मिल्क शेक, चाट, मोमोज, रोल सब हैं यहाँ पे। एंट्री भी काफ़ी साफ़ सुथरी है एंड मैं ऑलरेडी अंदर जा चुका हूँ तो आई नो कि काफ़ी क्लीन है। सो दिस इज़ द एमबीएस शांति, वहाँ बैठी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर अपनी बिलिंग करवाते हैं, वो उनकी किचन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कवर होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको मिलता है फ्री वाईफाई, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ये आज का लंच मेन्यू है, वेज नॉर्थ थाली 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये में। भाई बैंगलोर में मैंने अच्छी नॉर्थ थाली तो बिल्कुल नहीं खाई है, मिनी थाली 80 रुपये की है। नॉनवेज थाली मात्र 150 रुपये, बिरयानी है, चिकन है, एग है। तो वेज और नॉन वेज के लिए दोनों के लिए बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात, कढ़ी चावल 60 रुपये भाई, कर्ड राइस 50, तो बहुत सस्ता है। एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है सब लोग कढ़ी चावल खा रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, तो वो तो हम पक्का खाने वाले हैं। तो आइए अब डायरेक्ट किचन में चलते हैं। सो दोस्तों ये हैं हम लोग सिमीज किचन के एक्चुअल किचन में। आप देख सकते हैं कितने वास्ट स्केल पे इस किचन को बनाया गया है, विच इज़ वेरी गुड। 3 महीने पुराना आपका ये आउटलेट है, मुझे जान के हैरानी हो रही है। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम लोग जो आज चीज़ें बनवाने वाले हैं, दैट इज़ अब गोभी मंचूरियन, वेजिटेबल नॉर्थ इंडियन थाली। सब लोग आप देख सकते हैं कितने वेल मेंटेन्ड हैं, सबने हेयर कैप लगा रखी है ताकि बाल ना गिरे, कुछ ना हो। इवन मुझे भी ग्लव्स एंड हेयर कैप पहना रखी है। तो यहाँ हम लोग पहले अपना गोभी मंचूरियन बनवाते हैं। ये आप देख सकते हैं सारी हमारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी चॉप्ड हो रखी हैं। ये गया हल्का सा इसमें ऑयल, गार्लिक, जिंजर, बढ़िया जिंजर, गार्लिक, ये गया इसमें हल्का सा मिर्ची का पेस्ट, मतलब मिर्ची गई, और इसे अच्छे से अब थोड़ा फ्राई किया जाएगा। तेज आँच कर रखी है मैंने यहाँ पे। चॉप्ड ओनियन, ये गया चिली पेस्ट, चिली पेस्ट, बढ़िया। तो ये तो सारी चीज़ें जा रही हैं, यहीं से जा रही हैं। ये हमारा चिली पेस्ट है और स्टोव पानी वाटर। अच्छा, ये सारे मसाले एंड ऑल। काफ़ी पास पास गया अपने हाथ चलाते हुए। ये मुझे लग रहा है गोभी मंचूरियन की जो ग्रेवी वाला पार्ट है। और ये इसके अंदर दोस्तों क्वालिटी भी उस कढ़ाई से गई है हमारी, गोभी के पीसेस, यही यही वाला पार्ट है जो अच्छा लगता है देखने का। वाह, बड़ा हल्का सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया अति उत्तम। तो दोस्तों अब हम लोग अपना लगवा रहे हैं नेक्स्ट आइटम, दैट इज़ अवर वेजिटेबल नॉर्थ इंडियन थाली, जिसमें कि देखते हैं क्या क्या आता है, मुझे भी नहीं पता। तो ये हमारे सबसे पहले राइस, बढ़िया। ये आ गई हमारी शिमला मिर्च आलू की सब्जी। नेक्स्ट आइटम ये क्या चीज़ है भैया? दाल। दाल, बढ़िया, ठीक। शाही पनीर, ये शाही पनीर है हमारा, बढ़िया। तो शिमला मिर्च आलू चावल, हाँ हाँ, कुछ और भी आता है? यही है।
भैया के पीछे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा पापड़ बढ़िया संग में आती है, साथ में आती है स्वीट डिश दैट इज़ अवर गुलाब जामुन का एक स्वादिष्ट पीस जैसा देखने में लग रहा है। और साथ ही साथ आपको मिलेगा सैलेड में यहाँ खीरा और प्याज, रोटी भी आती है इसमें। हाँ, रोटी तंदूरी, रोटी तंदूरी आती है, चपाती तंदूरी में। ठीक है, तो वो आप रखवा दीजिए, मैं हाँ। फोटो बाहर ही ले लूँगा डायरेक्टली। और दोस्तों थाली के साथ में यहाँ पे बटर मिल्क भी आता है, बढ़िया तो काफ़ी फुल फिलिंग थाली है ये, इसी के लिए भी बढ़िया सर। तो दोस्तों थर्ड आइटम जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ अवर कड़ी राइस। राइस मैंने आपको थाली में भी दिखाई थी, तो अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ राइस यहाँ पे आपको मिलता है कड़ी चावल में, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, 50-60 रुपए है यार, बहुत रीजनेबल है। मतलब आई वुड से बैंगलोर के हिसाब से इतना प्राइस मुझे दिल्ली में मिलता था इन चीज़ों का। और ये रही वो हमारी स्वादिष्ट कड़ी, पकौड़ियाँ इसमें अलग से डलती हैं, तो ये हमारी कड़ी पकौड़ा है। अभी इसके अंदर प्याज है क्या है वो मैं आपको खा के बताऊंगा डायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी कड़ी बिल्कुल इन पकौड़ियों के ऊपर जा रही है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो कड़ी राइस की प्लेट भी हमारी लग गई, और चाहिए तो हम ऊपर डालते देंगे। ठीक ठीक, अगर किसी को कड़ी और चाहिए तो ऊपर भी डलवा सकता है, बढ़िया। भैया ने डाल के भी दिखाया, बस बस भैया, ठीक है, बढ़िया। दोस्तों आप देख सकते हैं एम्बियंस वाइज इट्स अमेजिंग, किचन वाइज काफ़ी साफ सुथरा, सब लोग बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हल्का सा सैलेड भी गया है मेरा, चीज़ें लग गई हैं यहाँ पे, बस तंदूरी रोटी आनी रह गई। तो दोस्तों ये रही हमारी ईशान की मैडम हंसते हुए, ये हमारी वो वेज नॉर्थ इंडियन थाली है जो मैंने आपको अंदर बनते हुए दिखाई थी। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थाली इज़ यार, एक सब्जी, दो सब्जी, तीसरी सब्जी जो कि दाल है उसमें भी शाही पनीर मिल रहा है आपको, चावल अच्छी खासी क्वान्टिटी है। तंदूरी रोटी लेंगे तो ये चपाती नहीं मिलेगी, अगर से चपाती लेंगे तो दो चपाती मिलती हैं, तो मैंने दोनों दिखाने के लिए एक ले ली है। स्वीट डिश मिलती ही मिलती है, गुलाब जामुन है आज, और ये है हमारी बटर मिल्क राइट, और संग में हाँ साथ में पापड़ भी और सैलेड भी है यार। तो 100 रुपये में यार, मतलब आई वुड से इट्स टू मच, काफ़ी फुलफिलिंग है। कड़ी चावल जैसे मैंने आपको दिखाया मात्र 60 रुपये, और कड़ी देखने में सही में काफ़ी अच्छी लग रही है। पकौड़ी एंड ऑल का स्वाद मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अलग से डाली गई है पकौड़ियाँ, विच इज़ फाइन, थोड़ा रेस्टोरेंट सेटअप में चलता है वो। एंड ये हमारा गोभी मंचूरियन कलर वाइज, ओ माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आई डोंट नो कि ये स्वाद में कैसा होने वाला है। आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कैमरा देते हैं हमारी कैमरा मैन ईशान की मैडम को, एंड आपको बताते हैं कि इस एक एक चीज़ का कैसा स्वाद है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अपनी गोभी मंचूरियन, तो मैं इन दो चीज़ों को हटाता हूँ, इसको अपने पास लेके आता हूँ, और शांति से कहता हूँ कि वो भी कैमरे को मेरे पास लेके आए। ये गया वो खोलते हुए गोभी मंचूरियन के अंदर मेरा फोक आई वुड से, और ये रहा वो गोभी मंचूरियन। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गोभी मंचूरियन, मैंने 2011 में पहला गोभी मंचूरियन खाया था, वो भी मैंगलोर में अपने कॉलेज में, एंड ये गोभी मंचूरियन मुझे बिल्कुल वैसे ही याद दिला रहा है। एक बाइट और लेते हैं, अगेन फोक से अपने इसको पंच करा, ये रहा वो गोभी मंचूरियन। HSR साइड इतना अच्छा गोभी मंचूरियन नहीं मिलता है, कॉलेज के बाद शायद मैं ना मैंने घर पे कभी इतना अच्छा गोभी मंचूरियन खाया है ना कहीं और, काफ़ी टाइम बाद ये गोभी मंचूरियन मुझे मिला है, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो मैं फ्रिक्वेंटली विजिट करना चाहूँगा। ये सुपर ऑसम, एक जने के लिए काफ़ी फुलफिलिंग है, स्टार्टर्स के तौर पे है तो दो जने भी खा सकते हैं, और अगर आप इसे चखने के तौर पर यूज़ करते हैं तो भी खा सकते हैं। शांति ने मुंह बनाया और ये मैंने साइड में रखा। नेक्स्ट आइटम इज़ आर कड़ी राइस, तो जैसा इन्होंने बताया कि अगर आप कड़ी एक्स्ट्रा चाहिए तो चावल के ऊपर भी डाल के मिलती है, एंड ये हमारा साथ में प्याज है, तो मैं ऐसा करता हूँ हल्का सा प्याज निकाल ही लेता हूँ, इसे मिक्स करते हैं पहले चावल को। पहले मैं सिर्फ कड़ी कड़ी खा रहा हूँ चावलों के साथ, पकौड़ी अभी नहीं खा रहे हैं,
वो आपको अलग से टेस्ट बताऊंगा। तो ये रहा वो बाइट। करी राइस नॉर्मल है, मैंने इससे बेटर करी राइस खाए हैं टू बी वेरी फ्रैंक, बट बैंगलोर में नहीं खाए हैं ये पक्की बात है। तो बैंगलोर में अगर कोई है जो नॉर्थ इंडियन है और वो करी राइस ढूंढ रहा है बेचारा और इतने रीजनेबल प्राइस में, तो कभी नहीं खाए क्या। 60 रुपये में क्वान्टिटी इज टू मच यार, एंड द टेक्स्चर ऑफ द करी इज टू परफेक्ट। ओनली थिंग इज टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट हर जाने का टेस्ट बड्स अलग होते हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बात आती है पकौड़ी की, तो पकौड़ी को मैं, यहाँ ये पकौड़ी है और मैंने इसे कोशिश करी कट करने की, तो जैसे कि आपने देखा है पकौड़ी अभी अभी डाली गई थी इस कड़ी में, बट स्टिल बहुत हार्ड नहीं है, द गुड पार्ट इज दैट। और ये मैं इस बाइट को लेने वाला हूँ। मेरा कुक भी इससे ज़्यादा हार्ड पकौड़ी बनाता है, जबकि वो पूरे दिन डूबी रहती है कड़ी में, तो मच बेटर आई वुड से। एंड 60 रुपये सुनकर तो मेरे मतलब वारे न्यारे हो गए हैं यार। ये ऐसी किचन HSR में क्यों नहीं है, वहाँ से साउथ इंडियन किचन से ऐसी नॉर्थ इंडियन नहीं है भाई। प्लीज़ एक आध जना खोलो, मैं कहूँगा इन लोगों से वहाँ पे भी खोलें, अमेजिंग। एंड यहाँ पे मुझे चीज़ रिलाइज हुई जब मैं आया, मैंने देखा कि मुझे मोस्टली क्राउड दिख रहा है वो PGs वाला दिख रहा है, कैन बी स्टूडेंट कैन बी वर्किंग प्रोफेशनल जो बैचलर्स हैं अभी, तो उनके लिए काफ़ी रीजनेबल रेट्स में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा साइड करते हैं, एंड द फोकस इज़ ऑन अवर जम्बो थाली। जम्बो थाली में सबसे पहले इस बटर मिल्क को थोड़ा मिला लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ सिप ऑफ इट। टू मच स्पाइसी, नमक है, मसाले हैं, बट द फर्स्ट सिप इज़ टू मच स्पाइसी टू बी वेरी फ्रैंक। ठंडा है तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पीने में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है खाने का, आई वुड हाईली रिकमेंड, एक छोटा सा चावल का बाइट बनाइए इसका, इसमें डुबोइए इसे। हाँ हाँ, उड़ीसा साइड में शायद ऐसा कॉम्बो चलता भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसमें मिर्ची भी बहुत होती है क्योंकि, तो आई वुड से नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बट ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऐसा इसे। तो ये तो मज़ा आ गया भाई पी के, स्पाइसी था थोड़ा नो डाउट। नेक्स्ट आइटम जो हम लोग टेस्ट करेंगे दैट इज़ अवर बटर तंदूरी नान के साथ, हमारा ये है शिमला मिर्च आलू। रोटी थोड़ी ठंडी हो गई है, फूड ब्लॉगर्स की लाइफ में ऐसे ही चलता है भाई। और ये बाइट तैयार है, इतना टेस्टी खाना बनाने वाली मैसेज ना मैंने लास्ट टाइम दिल्ली में भी नहीं देखी है, कोटा में देखी है 2012-11 के आसपास, कोटा में पढ़ने गया हुआ था तब की बात है। तो वहाँ पे इतने रीजनेबल प्राइस में मिलता था, और उस ज़माने में 50 रुपये कॉस्ट होती थी थाली की, सोचिए 2011 में, 10 साल बाद ऐसी सेम थाली 100 रुपये में मिल रही है आपको, विच इज़, और वो भी बैंगलोर में, मज़ा आ गया। एक बाइट और तोड़ते हैं अपनी रोटी का, और इस बार इसे खाते हैं अपने शाही पनीर। पनीर काफ़ी हैं इसमें, छोटे छोटे पीसेस काट के गाले गए हैं, टू गुड टू बी ट्रू, बट ये सच है मेरे दोस्तों, पनीर सही में बहुत टेस्टी है, एंड द ग्रेवी इज जस्ट अमेजिंग। ये तो समझ में आ गया जो कुक है ना प्रॉपर। मैडम थोड़ा पास आइए, खाना दिखाइए, ये तो पक्का है। पनीर के पीसेस देखो, मेरे लिए नहीं है, आपने देखा होगा जहाँ से पनीर निकल रहा था वहाँ पे इतने पनीर के पीसेस थे कई सारे तो कुक पक्का नॉर्थ इंडियन है मैं फील कर सकता हूँ, एंड अमेजिंग यार। सॉफ्ट पनीर, अमेजिंग ग्रेवी, मज़ा आ गया। नेक्स्ट आइटम जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं रोटी के साथ ही, दैट इज़ अवर अरहर की दाल, फ्राइड दाल, दाल तड़का, मिक्स दाल है। हाँ हाँ हाँ,
सो ये रहा वो बाइट। भाई खोल लो एक, सच में खोल लो, मज़ा आ गया भाई, नॉर्थ इंडियन खाने की याद आ गई। इसको मैं चावलों में डालता हूँ, दाल तड़का चावलों के संग ज़्यादा अच्छी लगती है। मन कर रहा है सारी शर्म हया छोड़ के बस खाने पे फोकस करूँ। टिल डेट मैंने जितनी जगहों पर भी नॉर्थ इंडियन थाली खाई है एंड जितने रीजनेबल रेट्स में यहाँ खा रहा हूँ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट आइटम जो हम लोग टेस्ट पक्का करना चाहिए दैट इज़ अवर गुलाब जामुन। अंदर से थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे तोड़ने में ये साइड में, लेट्स सी कैसा होने वाला है टेस्ट में। तो टेस्ट में कोई कमी नहीं है, सॉफ्ट है वो, या तो काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए तो थोड़ा सा रस में कम भीग गया है साइड से, बट ओवरऑल। और ऐसा भी नहीं इन्होंने चाशनी चाशनी भरी है, मैं चाहूँगा शांति से एक बार दिखाएं थे, तो सिर्फ चाशनी चाशनी नहीं है द गुड पार्ट इज़ दैट, वरना लोग क्या करते हैं बस चाशनी चाशनी भर देते हैं, बट ये डिसेंटली चाशनी में डूबा हुआ है और लिमिटेड क्वान्टिटी चाशनी आपको यहाँ दी गई है। एक आइटम जो हमारा रह गया दैट इज़ अवर कचरी पापड़ी ना, तो ये कचरी पापड़ी क्रिस्पी का थोड़ा क्रिस्पीनेस लाने के लिए मुंह में, जब भी आप कोई क्रिस्पी चीज़ खाते हैं ना पापड़ या वो, तो उससे आपके टेस्ट पैलेट साफ होते हैं एंड यू एन्जॉय मोर टेस्ट इन द नेक्स्ट बाइट ऑफ योर फूड राइट। सो ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड, वेरी हैप्पी, एमबीएंस इज जस्ट टू अमेजिंग, फूड इज़ टू गुड एंड द रेट्स आर जस्ट अनबिलीवेबल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लोकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।